الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता सवाल इसके कि नहीं उसने हराम किया तुम्हारे लिए मुर्दार को वद्दमा और खून को वलहमल खिंजीरी और खिंजीर के गोश्त को वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही और जो चीज़ बुलंद किया गया हो गैरुल्लाह का नाम उस पर गैरुल्लाह के लिए उस पर आवाज बुलंद की गई हो गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो। फमन इज़्तुर्रा बस जो शख्स मजबूर कर दिया जाए गैर बागिन ना वो बगावत करने वाला हो वला आदिन और ना वो हद से बढ़ने वाला हो फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम बस बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले रहीम बहुत रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा हर्रमा सवाई इसके कि नहीं उसने हराम किया यानी अल्लाह ने अलैकुम तुम्हारे ऊपर अलमैता मुर्दार व दमा और खून व लहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही और जिस पर गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो। उहिल्ला का मतलब क्या होता है? एक लफ्ज़ होता है उहिल्ला और एक लफ्ज़ है उहिल्ला। उहिल्ला हो तो क्या मतलब होता है? उहिल्ला हो तो क्या मतलब होता है? उहिल्ला मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। उहिल्ला हलाल से है फिर माजी मजहूल है बाहर लोग समझते हैं जैसे ये उहिल्ला हलाल से है जानवर हलाल करना नहीं वो नहीं है ये वहाँ उहिल्ला नहीं है। उहिल्ला उहिल्ला है हलाल से हलाल किया गया हलाल किया गया। उहिल्ला किससे है? उहिल्ला हिलाल से है। हिलाल किसे कहते हैं? हिलाल कहते हैं सिर्फ चांद को नहीं कहते चांद को हिलाल भी कहते हैं चांद को कमर भी कहते हैं चांद को बदर भी कहते हैं चांद के मुख्तलिफ नाम हैं अरबी में हम अरबी की बात कर रहे हैं तो अरबी में चांद के मुख्तलिफ नाम हैं। तो हिलाल से मुराद कौन सा चांद होता है? पहली रात का चांद हिलाल हिलाल ईद यानी वो जो वो चूँकि यकम शवाल को होती है ईद पहली रात का चांद होता है। इस तरह हिलाल रमज़ान रमज़ान का चांद जब चांद निकलता है उसको हिलाल कहते हैं। वो जो रमज़ान की सारी रातों में जो चांद निकलता है उसको हिलाल रमज़ान नहीं कहते हैं। अगर रमज़ान की चौदहवीं रात का चांद हो उसको हिलाल रमज़ान नहीं कहेंगे शव्वाल की चौदहवीं रात का चांद हो उसे हिलाल ईद नहीं कहेंगे या हिलाल शव्वाल नहीं कहेंगे। तो हिलाल से मुराद वो चांद है जिससे महीने की इब्तदा होती है शुरू का। तो हिलाल का माना क्या हुआ? असल में हिलाल का लफ्ज़ी मतलब होता है कि शोर मचाना आवाज़ें बुलंद करना। तो चूँकि रात के चांद को देखकर लोग शोर मचाते हैं वो देखो चांद नज़र आया और नया महीना चढ़ गया ईद शुरू हो गई ईद का महीना ईद का चांद निकल आया रमज़ान का चांद निकल आया फला महीना शुरू हो गया तो पहली रात के चांद को हिलाल कहते हैं चौदहवीं रात के चांद को हिलाल नहीं कहते उसको बदर कहते हैं। तो हिलाल का मतलब क्या हुआ? चांद
शोर मचाना। तो वमा उहिल्ला का मतलब आप बताइए क्या होगा? ये उहिल्ला हास है, आंखों वाली हास है, ये हलाल से नहीं है, पहले तो ये समझना है हमें। तो उहिल्ला का मतलब क्या होगा कि बुलंद की गई हो, शोर मचाया गया हो, कि मजहूल है ना, फिल माजी मजहूल। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सवाई से कि नहीं, अल्लाह ने हराम किया तुम्हारे ऊपर मुर्दार को, खून को, खिंजीर के गोश्त को, और उसे कि जिस पर आवाज बुलंद की गई हो गैर उल्लाह की, भी ही साथ उसके, जिस पर गैर उल्लाह का नाम बुलंद किया गया। क्या मतलब? यानी जिस जानवर को जिबा करते वक्त गैर उल्लाह का नाम लिया गया हो, गैर गैर उल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो। गैर उल्लाह का नाम बुलंद करने से, गैर उल्लाह के नाम पर जिबा करने से जानवर, चाहे वो हलाल जानवर हो, एक तो है ना उल्लाह कि एक इंसान हराम जानवर को जिबा कर ले, गधे के गर्दन पे छुरी चला दे, कुत्ते बिल्ली को जो है वो हलाल कर ले, तो वो जिबा कर ले, तो वो जिबा करने से भी हलाल नहीं होते। हलाल जानवर भेड़ बकरी गाय ऊंट वगैरह, हिरन वगैरह, और ये जो हलाल जानवर हैं, अगर इनको जिबा करते वक्त इन पे गैरुल्ला का नाम लिया जाए, ये फलां दरगाह के नाम है, ये फलां बुत के नाम है, ये फलां पीर फकीर फलां बुजुर्ग के नाम है, तो अल्लाह के नाम, अल्लाह का नाम लेकर जानवर जिबा किया जाता है, चाहे वो हम ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बान करें, चाहे हम हज के मौके पर जानवर को कुर्बान करें, या हम आम हालात में दावत वगैरह के लिए, कोई वलीमा वगैरह के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए हम जानवर जिबा करें, हर तो हम जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, या किसी की तरफ से लाल की अल्लाह की तरफ से नाम लिया जाता है, अल्लाह अल्लाह की तरफ से ताला नाम लिया जाता है, तो जानवर हलाल होता है जो हलाल जानवर है। लेकिन अगर जानवर जिबा ही अल्लाह के नाम पे नहीं किया जा रहा, गैर अल्लाह के नाम पे किया जा रहा है, कोई बंदा अपने पीर फकीर और अपने माबूद और अपने बुत का नाम और अपने माबूद का नाम लेना शुरू कर दे, ये लात के नाम है, ये फलां के नाम है, तो वो जानवर वैसे हराम हो जाता है। वो ये तो बिल्कुल वैसे वैसे, तो कहते हैं जी, हम चुरी तो अल्लाह के नाम पे कह रहे मैं हैं अभी ऐसे। वही 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 जिक्र करने लगा हूँ, तो जिस तरह मुर्दार हराम है, यानी एक तो है ना हराम जानवर, वो तो वैसे ही हराम है, वो आप जिबा भी कर लें तो हराम है, जैसे मैंने कहा गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, और ये जानवर हैं, दरिंदे हैं, ये सारे हराम है, कुछली वाले, तो वो कहीं मुर्दा पाई जाए तो वो भी हराम है, अगर आप उनको जिबा भी कर लें फिर भी हराम है। एक है हलाल जानवर, जो आप जिबा कर लें सही तरीके से अल्लाह का नाम लेकर तो हलाल हो जाता है, अगर वो भी मुर्दा पाया गया खुद ब खुद, मर गया खुद ब खुद, तो उसको जिबा नहीं किया गया तो वो जानवर हलाल नहीं होता, वो जानवर भी हराम हो जाता है। भेड़ बकरी अगर मर जाए, जिबा नहीं किया जाए तो वो हराम हो जाते हैं, ठीक है, तो मुर्दार हराम है। इसी तरह वो जो बहा हुआ खून होता है, यहाँ खून से मुराद वो खून जो जिबा करते वक्त बहता है, या खून से मुराद जमा हुआ खून, यानी वो जो कलेजी की सूरत में हो या तीली की सूरत में हो, तो ये वो वाला खून नहीं है, यहाँ खून से मुराद वो जो बहा हुआ खून है वो हराम है। पुराने करीम में दूसरी जगह पर औदमा मसफूहन कुल्ला अजीदु फीमा उहिय इलैया मुहर्रमन अला ताइम यतअमुहु इल्ला अन यकुन मैततन अव दमन मसफूहन, बहा हुआ खून, उसकी वजाहत यहाँ सिर्फ खून है, दूसरी आयत में इसकी वजाहत बहा हुआ खून। और जिस तरह मुर्दार हराम है, बहा हुआ खून हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, इसी तरह एक हलाल जानवर अगर उसको जिबा भी कर दिया जाए लेकिन उस पर गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया जाए तो वो भी हराम हो जाता है। अब गैरुल्लाह का नाम बुलंद, वो बिल्कुल इस तरह हराम है जिस तरह खिंजीर का गोश्त हराम है, जिस तरह मुर्दार हराम है। तो गैरुल्लाह का जो नाम लिया जाता है, तो एक तो गैरुल्लाह का नाम लेने की सूरत यह है कि बाकायदा गैरुल्लाह के नाम की नियाज दीजिए, अल्लाह के नाम की भेंट, अल्लाह के नाम की नियाज की बजाय, देखिए अल्लाह के नाम पर जिबा करना ये अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की तज़ीम के लिए है, अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान किया जाता है, वो ईद के मौके पर हो, वो हज के मौके पर हो, वो आम हम अपने खाने के लिए जिबा करें, अल्लाह के नाम पर जानवर जिबा किया जाता है, और ये इबादत है अल्लाह की। जो गैर अल्लाह के लिए जिबा करता है तो वो कि वो शिर्क कर रहा है। तो जब गैर अल्लाह का नाम लिया जाएगा, गैर अल्लाह के नाम, पीर फकीर के नाम, किसी बुत के नाम, किसी नबी वली के नाम, तो चाहे वो बहुत नबी वली की बुजुर्गी क्यों ना हो, तो वो जानवर हराम हो जाएगा। किसी के नाम की नजर के तौर पर
कोई जानवर ज़बह किया जाएगा तो वो हराम हो जाएगा। अच्छा, अब जो इन्होंने सवाल किया कि बाज दफ़ा जानवर होता गैर अल्लाह के नाम है लेकिन अल्लाह के नाम के साथ ज़बह किया जाता, किसी कब्र पे जाकर, किसी पीर फकीर की, किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाकर, किसी अस्ताहाने पे जाकर जो है वो एक जानवर कुर्बान किया जाता है, सबको पता है कि ये फलां बुजुर्ग के नाम ज़िबा किया जा रहा है लेकिन वो ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम ले लेते हैं, तो ये भी गैर अल्लाह के नाम है। बाज तो यानी इसकी हुरमत पे तो सब कायल है, बाज कहते हैं ये भी गैर अल्लाह के नाम है इसलिए हराम है, बाज कहते हैं कि ये नाम तो अल्लाह का लिया गया है ये चूंकि गैर अल्लाह की नजर है तो वो उस वजह से हराम है, हुरमत के सब कायल है लेकिन क्या वो मुआ उहिल्ला में आएगा कि वो किसी और वजह से वो हराम होगा, तो बहरहाल ये भी गैरुल्ला का नाम ही है। चढ़ावा हाँ जी, तो गैरुल्ला के नाम का जानवर चाहे उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो पता लग जाता है। नबी हसन से सवाल हुआ कि जी मैंने नजर मानी है कि मैं जानवर कुर्बान करूं फलां जगह पर, आपने फरमाया उस जगह पर कहीं पहले किसी बुत की इबादत तो नहीं होती थी, यानी अब आपसे सवाल हुआ कि मैंने नजर मानी फलां जगह पर जानवर ज़िबा करूं, वो नजर ये थी कि अल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा करना था, आपने पूछा कि वहां कोई पहले कोई बुत तो नहीं था और कोई वहां जाहिलियत में कोई वहां जानवर गैर अल्लाह के नाम तो ज़िबा नहीं किए जाते थे, पता लगा कि अगर जानवर गैर अल्लाह के नाम पे ज़िबा हो रहा है और नाम अल्लाह का लिया जा रहा है किसी मखसूस जगह पर तो वो जानवर भी इस हुक्म में आ जाता है। तो अल्लाह तो हमारे सीने के भेदों से भी वाकिफ है, तो जो जिस जानवर पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए तो वो जानवर हराम होता है, और जिस जानवर पर नाम अल्लाह का लिया ही ना जाए, अल्लाह का नाम जानबूझ के छोड़ दिया जाए वो जानवर भी हराम हो जाता है। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहू लफिस्क, अल्लाह फरमाते हैं कि उस जानवर को ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। एक होता है कि एक इंसान अल्लाह का नाम ना ले जानवर ज़िबा करते वक्त वैसे भूल जाए, उसने अल्लाह का नाम लेना था लेकिन भूल गया, वो एक अलग चीज़ है। एक है कि एक इंसान जान कर अल्लाह का नाम नहीं लेता तो वो जानवर भी हराम हो जाएगा। वो चीजें भी जो अक्सर लोग देख देते हैं नजर न्याज, इसकी जैसे पिछले महीने लोग करते रहे और तकसीम करते हैं, वो चीजें भी उसी उसमें मतलब जी असल में वो अगर किसी ऐसे तकरीब की हैं जो तकरीब इस्लामी शायर में से नहीं है और बिदत है ऐसी तकरीब वगैरह, तो उस तकरीब में जो चीज़ हो उस चीज़ से भी बचना चाहिए। अगर उसमें हम शिरकत करेंगे तो बैठ से हो ना, उसमें अगर शिरकत करेंगे तो वो फिर हम गोया कि उसमें शरीक हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ इस वक्त जानवर की ज़िबा की बात हो रही है, तो ये चीज़ें हराम हैं, मुर्दाल हराम है, बहा हुआ खून हराम है, खंजीर गोश्त हराम है, और जिस जानवर पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम बुलंद किया जाए ज़िबा करते वक्त वो हराम है। अच्छा, ये चार चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं और अल्लाह ने इन नमा कहकर इन चीज़ों को हराम किया। इन नमा का मतलब क्या होता है? बेशक नहीं, वो तो इन ना होता है, इन नमा का मतलब कई दफ़ा इस मौजू पर बात हुई है, सवाई इसके नहीं थे सवाई इसके कि नहीं, सवाई इसके कि नहीं के क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब है सवाई इसके कि नहीं, मुराद इससे क्या है इन नमा से, यानी ये हसर के लिए होता है इन नमा, यानी जब एक है कि आप इन नमा के बगैर, एक है इन्ना वो एक अलग है, इन अल्लाह गफूर वो इन्ना उससे जोर पैदा होता है, यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, इन अल्लाह रहीम बेशक अल्लाह ताला रहीम रहीम है। एक है इन नमा, इन नमा का मतलब बेशक नहीं होता, इन नमा का मतलब होता है सवाए इसके के नहीं, यानी इसके अलावा और कोई बात नहीं है, और फिर आगे एक बात हो रही होती है, इन नमा के साथ और इन नमा के बगैर फर्क क्या होता है? बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? हसर का और हसर ना होने का, हसर क्या है और हसर का ना होना हो, इन नमा से हसर हो जाता है माने में, और इन नमा ना हो तो हसर नहीं होता, बड़ा फर्क है दोनों बातों में। अगर मैं कहूँ, इसकी मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, अगर मैं कहूँ कि
زید فی الداری، زید فی المسجد، زید مسجد میں ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ زید نامی شخص مسجد میں ہے. اچھا جی، خالد مسجد میں ہے کہ نہیں، عمر بکر کوئی مسجد میں ہے کہ نہیں، اور لوگ مسجد میں ہیں کہ نہیں، اس کا اس جملے سے کوئی تعلق نہیں. صرف زید نامی شخص کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مسجد میں ہے، زید فی الدار یا زید فی المسجد، زید کے مسجد میں ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ زید مسجد میں ہے. باقی لوگ ہیں کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر کہا جائے انما زید فی المسجد، سوائے اس کے کہ نہیں زید مسجد میں ہے، اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ زید مسجد میں ہے، اس کے ساتھ اور فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے. وہ کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ کہ صرف زید مسجد میں ہے، سوائے اس کے کہ نہیں زید مسجد میں ہے، زید کے علاوہ کوئی اور مسجد میں نہیں ہے. باقی ان کی نفی بھی ہو رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں لیس فی المسجد الا زید، پہلے نفی کر کے بعد میں الا لے آئیں، معنی میں حسر پیدا ہوتا ہے. ایک ہے زید فی المسجد اور ایک ہے لیس فی المسجد الا زید، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بڑا فرق ہے. زید فی المسجد سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ زید نامی شخص مسجد میں ہے، باقی ہیں کہ نہیں اس کی نفی اس بات یا اس کی نفی نہیں ہو رہی. لیکن لیس فی المسجد الا زید سے زید مسجد میں ہے، اس کا اس بات تو ہو ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ باقیوں کی نفی بھی ہو رہی ہے. اور یہی چیز انما بھی کرتا ہے، انما حسر پیدا کرتا معنی میں. تو ایک ہے الہکم، الہکم اللہ، تمہارا معبود اللہ ہے. اگر یہ لفظ ہو الہکم اللہ، تمہارا معبود اللہ ہے، تو اس سے اللہ کے معبود ہونے کا اس بات ہوگا، باقیوں کی نفی نہیں ہوگی. باقیوں کی نفی کے لیے یا تو ہمیں کہنا پڑے گا لا معبود یا لا الہ الا اللہ، یا ہمیں کہنا پڑے گا انما الہکم اللہ. قرآن میں ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. دو طرح اللہ نے وہاں حسر کیا، ایک انما سے، انما الہکم اللہ میں بھی وہی حسر ہے جو لا الہ الا ہو میں حسر ہے. انما الہکم الہ واحد، انما سے حسر کا معنی پیدا ہو رہا ہے. تو انما یہ کلمہ حسر ہے، اس کا معنی صرف کر لیں، صرف یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں، یا اس کا معنی عام طور پہ سوائے اس کے کہ نہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، یہ بھی حسر. حسر کے ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں سوائے اس کے کہ نہیں، اور ہمیں یہ دفعہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ حسر ہے اصل میں، سوائے اس کے کہ نہیں، یا تو یہ کہیں یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، صرف یہی بات ہے. انما الہکم اللہ، تمہارا معبود اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، باقیوں کی نفی بھی ہو رہی ہے، حسر. تو یہاں اب یہی معنی کریں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو چار چیزیں اللہ نے بیان کی، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان چار چیزوں کو حرام کیا ہے. انما کہہ کر معنی میں کیا اضافہ ہوا، کیا چیز سمجھ میں آئی ہمیں انما کہنے سے؟ معنی میں حسر پیدا ہوا، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے یہ چار چیزیں حرام کی ہیں. یعنی حسر کا مطلب ہوگا یہی چار چیزیں حرام ہیں، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. یہ بات قرآن کریم میں یہاں نہیں ہے، صرف قرآن کریم میں دو تین مقام پر اللہ نے اور بھی فرمایا. یہاں بھی انما حرم علیکم المیتۃ، دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وہاں بھی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل، یہاں لغیر اللہ بھی ہے، وہاں بھی لغیر اللہ ہے دوسرے پارے میں. انما حرم سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سوائے اس کے کہ نہیں اس نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، اور خنزیر کے گوشت کو. یا وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، یا بہ پہلے آ گیا، اور جس پر نام بلند کیا جائے غیر اللہ کا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، یہاں بھی یہی انداز ہے.
ایک اور جگہ پر تو اللہ نے مزید وضاحت کر کے سورہ نام آیت نمبر 143، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں پاتا اس میں جو مجھ پر وحی کی گئی، محرمن حرام چیز، علی طائم یطعمہ، کوئی کھانے والا جس کو کھائے، الا سوائے، یعنی جو چیز جو چیز مجھ پر وحی کی گئی ہے اس وحی میں میں کھانے والے پر کوئی اور چیز حرام نہیں پاتا سوائے، اب پہلے نفی بعد میں الا، اس سے بھی حسر پیدا ہوتا ہے، جو انما سے حسر پیدا ہوتا ہے وہی پہلے نفی بعد میں الا سے بھی ہوتا ہے، اب یہاں پہلے لا سے نفی ہو رہی ہے اور الا سے حسر بعد میں الا کہہ کر، تو کہہ دیجئے جو مجھ پر وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی حرام چیز کھانے والے پر جو کھائے میں نہیں پاتا سوائے، سوائے کے بعد پھر چار چیزیں وہی آ گئیں، الا ان یکون میتتن او دم مسفوحا، یہاں دم کی وضاحت آ گئی، بہا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، اور وضاحت آ گئی خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے، فانہ رجس، کیونکہ وہ نجس ہے، مزید وضاحت آ گئی، او فسقا احل لغیر اللہ بھی، یہ ایسی فسق چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، یہی چار چیزیں یہاں ذکر ہو گئی، اب سوال یہاں اشکال کیا پیدا ہوتا ہے، جی یہاں سے تو بتائیں گے باقی چیزیں حلال ہیں، صرف یہی چیزیں حرام ہیں، کیا یہی چیزیں حرام ہیں باقیوں کو، یہاں یا تو اللہ نے صرف ان چار چیزوں کو ذکر کیا ہو، یہاں تو حسر کے ساتھ ذکر ہے، حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ہر کچلی والا جانور وہ جس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں درندہ، وہ بھی حرام ہے، شیر، چیتے، بھیڑیے اور کتے، لومڑی، گیدڑ وغیرہ، یہ سب ایسے حرام ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہر پنجوں والا پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، کلو زی مخلب کے الفاظ ہیں حدیث میں، اسی طرح گدھے کے بارے میں الگ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھے ان کو حرام کر دیے، اور آپ نے فرمایا ان کو حرام کر کے کہ میں نے یہ حرام کیا، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے حرام کیا، اللہ نے حرام نہیں کیا، میرا حرام کرنا اللہ کے حرام کرنے کی طرح ہے، میں اس سے پہلے اصل میں ایک گدھا ہوتا ہے جو جنگلی گدھا ہوتا ہے، وہ تو ابھی بھی حلال ہے، زیبرا یا جنگلی گدھا، تو وہ کھاتے تھے اور اس کے ساتھ یہ گھریلو گدھے، یہ حلال تھے، لوگ استعمال کم کرتے تھے کیونکہ یہ بال برداری کے کام آتے تھے، جیسا گھوڑا ہے، گھوڑا حلال ہے لیکن بالکل حلال ہے، صحیح بخاری کے حدیث ہے، بالکل حلال ہے گھوڑا، تو گدھا بھی حلال تھا، جنگلی گدھا تو ابھی بھی حلال ہے، تو گدھا بھی حلال تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ایک موقع پر اس کو آپ نے حرام کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے حرام کو اللہ کے حرام کرنے کی طرح سمجھو، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حرام کر دیا، تو آپ نے فرمایا میں یہ اپنی طرف سے حرام نہیں کر رہا، میرا حرام کرنا اللہ کے حرام کرنے کی طرح، وہی کی روشنی میں آپ نے حرام کیا، اس کا ذکر نہیں ہے احادیث مبارکہ میں، وہ ہے وَعَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ الَّذِي ظُفُرُ، یہودیوں پر ہم نے فلاں چیز حرام کی تھی، وہ یہودیوں کے حوالے سے بات ہے، ہمارے ہاں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جو جانور حرام ہیں ان جانوروں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے، بعض لوگ وہ وجہ بیان کرتے ہیں، حدیث میں وہ وجہ اس طرح کر کے ذکر نہیں ہے، یہودیوں کے حوالے سے ایک بات ذکر ہے، ہماری شریعت میں جو ہے وہ تو یہ ہے، لیکن اشکال اصل میں یہ ہے کہ باقی چیزیں تو جو ذکر ہیں وہ حدیث میں ذکر ہیں، قرآن کریم میں حسر کے ساتھ یہ چیزیں کیوں ذکر ہوئیں، حسر کا مطلب تو یہ ہے کہ باقی چیزیں حرام نہیں ہیں، جب قرآن کہتا باقی چیزیں حرام نہیں ہیں تو پھر باقی چیزیں کیسے حرام ہو گئیں، تو اصل میں علماء کہتے ہیں کہ یا تو یہ ساری جو آیات ہیں یہ آیات مکی دور کی ہیں، یہ سورہ بقرہ یہ بھی مکی ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ نحل یہ بھی مکی دور کی سورت ہے، اسی طرح سورہ انعام وہ بھی مکی دور کی سورت ہے، تو مکی دور میں جب یہ آیات نازل ہوئیں اس میں اور کوئی چیز حرام نہیں تھی، مکی دور میں زیادہ تر یہ موضوع تھا ہی نہیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں، تفصیلات تو تھیں نہیں،
नमाज तक की तफसीलात मेराज के मौके पर, और मेराज मक्के दौर में आखिर में जाके हुआ है, 10 नबी में तकरीबन। ज़कात वगैरह बुनियादी तरीन तफसीलात मदीना में जाकर उतरी हैं, ज़कात रोज़ा 2 हिजरी में, हज तो जाकर 9 हिजरी में, तफसीलात तो शराब हराम हुई आखिर में जाकर, सूद की हुरमत बिल्कुल आखिरी दौर में। तो तफसीलात तो मक्की दौर में ज़्यादा तफसीलात थी नहीं, मक्की दौर तो असल में जन्नत जहन्नम अल्लाह का डर और अल्लाह की तौहीद और कुफार के इतराजात और अकीदा। तो उलमा कहते हैं असल में मक्की दौर में तो ये हलाल और हराम और उनकी तफसीलात का मौजू ही नहीं था, यहाँ बात अकीदे के रंग में हो रही है कि असल में हराम करना हलाल करना ये किसका काम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। इस काम में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना ये शिर्क है अल्लाह के साथ, क्योंकि कुरैश मक्का वो उन्होंने बहीरा साइबा वसीला हाम कुछ जानवर उन्होंने अपने दरगाहों और अपने बुतों के नाम नजर करके वो उनको इंसानों के लिए हराम कर देते थे। ऐसे जानवर हुआ तो ये हराम हो जाएगा, इस ये जानवर हुआ तो औरतों पर हराम हो जाएगा, ये जानवर हुआ तो वो बच्चों पर हराम हो जाएगा, अगर वो इस तरह हुआ तो ये और इस तरह हुआ, खुद अपनी तरफ से कुछ चीजें घड़ घड़ कर। अल्लाह ने अगर ये चीज हलाल की है तुम कौन हो हराम करने वाले, तुम उसमें तफसीलात बनाने वाले तुम कौन हो। तो इस ज़िमन में यानी बात हो रही है बहीरा साइबा वसीला हम, अल्लाह फरमाते हैं तुमने जो बहीरा बना दिया साइबा वसीला, वो कहते थे जी अगर एक मादा ऊँटनी के बाद दूसरी मादा ऊँटनी हो गई एक ऊँटनी से, अब वो ऊँटनी जिससे एक मादा ऊँटनी के बाद दूसरी मादा ऊँटनी हुई है वसीला, एक जानवर दूसरे जानवर से मिल गया मादा, तो अब ये ऊँटनी है, अब इस ये ऊँटनी हराम हो जाएगी, अब इस ऊँटनी पर सवारी नहीं करेंगे, अब इस ऊँटनी को ज़िबा नहीं करेंगे, इसका गोश्त भी हम हराम हो गया, और ये फला बुत के नाम ही नज़र हो गया, इस पर सवारी भी नहीं हो सकती, अब ये एक मुकद्दस ऊँटनी बन गई। जिस जानवर के नुतफे से 10 जानवर हो जाए वो हाम बन गया है, अब तो अब ये जानवर जो है अब हराम हो गया है। हलाल जानवर अल्लाह ने हलाल किए, तुम कौन हो हराम करने वाले, अकीदे का मसला। तो अल्लाह कहते हैं कि तुमने ये जो जानवरों को हलाल और हराम करने का एक पूरा तरीकेकार बना लिया है, तो यहाँ मसला हलाल और हराम क्या है उसकी डिटेल का मसला ही नहीं है, असल मसला अकीदे पर रद्द है कि ये जो जानवर अल्लाह ने हराम किए हैं इन जानवरों में से खंजीर का गोश्त तो वो तो हमेशा से ही हराम है, उसके साथ बाकी चीज़ों का जिक्र किया, उसमें से मुर्दार हराम होता है चाहे हलाल जानवर हो और उनका खून बहा हुआ वो हराम होता है, और जिस जानवर पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो हराम होता है। बाकी जानवर जब अल्लाह ने हलाल किए तो वो तो तुम उनको हराम क्यों कर देते। कोई बंदा यहाँ से इतराज करेगा जी फिर तो दरिंदे भी हलाल हैं, कुरान तो कहता है और कोई चीज़ हराम नहीं है भाई, असल में वो ये आम हलाल और हराम का मौजू ही नहीं है, ये मौजू असल में उनके अकीदे जो उनके असल में मक्की सूरतों का मौजू है कुफार के अकायद कुफार के इतराजात और उनका रद्द, कुफर शिरक की तौहीद तौहीद वगैरह की बहस है। ये तौहीद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये तौहीद का मसला है कि शिर्क का मसला है कि हलाल और हराम करने का हक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को दे देना ये शिर्क है। और अभी आप देखिए इन आयात के बाद अक्सर ये मौजू शुरू हो जाता है कि हलाल करना हराम करना, तो या तो एक मखसूस जानवरों की बात हो रही है, यहाँ तो हलाल और हराम दरिंदों और वो बाकी हराम जानवरों की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो जो है हलाल ये जो बहीरा साइबा वगैरह जिनको उन्होंने बना रखा था उसकी बात हो रही है, या फिर उलमा इसका जवाब ये देते हैं कहते हैं जिस दौर की ये आयात हैं उस दौर में अभी अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हराम ही नहीं की थी, वो तो हराम बाद में की, इस वक्त तक यही चीज़ें हराम थी, शरीयत में अभी तक हलाल और हराम के बारे में यही तफसीलात उतरी थी तो उसमें मजीद चीज़ें भी हराम नहीं हुई थी, वो बाद में जाके हराम हुई, तो इस आयत का वो मदनी दौर की आयात और अहादीस से कोई टकराव नहीं है। ये शुरू दौर की आयात हैं, तो असल में इसका मौजू हलाल और हराम है ही नहीं, इसका असल मौजू है कि हलाल हराम करना हक किसका है, ये अल्लाह को छोड़कर तुम खुद अपनी तरफ से कैसे हलाल हराम कर सकते हो। तो सवाए इससे कि नहीं अल्लाह ने हराम किया तुम्हारे लिए मुर्दार को और खून को और खंजीर के गोश्त को और जिस पर नाम बुलंद किया गया हो पैरुल्लाह का, फमन तुर्र गैर बागिन, बस जो मजबूर कर दिया जाए बगावत करने वाला ना हो, वला आदिन और हद से बढ़ने वाला ना हो, फइन अल्लाह गफूर रहीम, बस बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले बहुत रहम करने वाले हैं। यानी अगर कोई बंदा मजबूर हो जाए
दो इस्तिस्ना अल्लाह ने कर दिए, तो उन दो इस्तिस्नात के साथ अल्लाह उसे माफ़ कर देंगे, रहम कर देंगे। यानी अगर एक बंदा मजबूर हो जाए, मजबूर होकर मुर्दार खून या ये चीज़ें अगर उसको इस्तेमाल करनी पड़ जाए, मजबूर से मुराद जान की मजबूरी हो, मर रहा हो कोई बंदा, तो जान बचाने के लिए अगर वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देंगे और अल्लाह उस पर रहम करेंगे। लेकिन दो शर्तें, एक शर्त यह है कि वो बागी ना हो, गैर बागी। बागी किसे कहते हैं? बागी का मतलब ये है कि एक बंदा अल्लाह का बागी है, एक बंदा अल्लाह के अहकाम को मानते ही नहीं। तो एक बागी शख्स अगर आम हालत में हराम जान जो अल्लाह ने हराम किए हैं, अगर वो कहे मेरी मर्जी या हराम क्या है हलाल क्या है, और वो मुर्दार को खा ले आम हालत में, तो वो फिर गुनाह है। एक काफिर भी करेगा तो गुनाह है, तो अगर ये वो आम हालत में खाएगा फिर भी गुनाह है, अगर वो मजबूर होकर खाएगा फिर भी गुनाह है। हाँ, एक अल्लाह से डरने वाला अगर आम हालत में नहीं खाता कि मेरे रब ने मना किया है, लेकिन मजबूर होकर, वो बागी नहीं है अल्लाह का, अल्लाह के दीन का, वो मजबूर होकर अगर उसे खाना पड़ता है जान बचाने के लिए, वरना वो मर जाएगा, तो अल्लाह उसको माफ कर देंगे, अल्लाह उस पर रहम कर देंगे। और वो भी बगदर जरूर वो आगे है वाला आदि, वो अगली शर्त है। मैं सिर्फ एक बगावत की वजाहत कर रहा हूँ, पहली शर्त की वजाहत। तो ये जो दीन के अंदर कोई तख़फीफ आती है, ये बात याद रखिए, दीन के अंदर तख़फीफ हमेशा मुसलमानों के लिए आती है, कुफार के लिए वो तख़फीफ नहीं होती। इससे पता लगता है कुफार भी हमारे जो अहकाम हैं उनके पाबंद हैं। अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया है, ज़कात का हुक्म दिया है, ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए नहीं कुफार के लिए भी है। फिर अल्लाह ईमान वालों को क्यों कहते हैं नमाज पढ़ो? इसलिए काफिर वो अल्लाह की बात मान, वो कहते हैं मैंने अल्लाह की बात नहीं माननी। वरना नमाज न पढ़ने का जो वबाल है, जिस तरह एक मुसलमान नमाज न पढ़े तो उसको सजा मिलती है, काफिर को भी नमाज न पढ़ने की, हर नमाज के वक्त नमाज न पढ़ने की सजा मिलती है, उसको उसके कुफर की सजा के अलावा इसकी सजा मिलती है। उसका कुफर और उसका शिर्क वो इतना बड़ा जुर्म है कि वो बड़े जुर्म अल्लाह ताला बयान कर देते हैं, ये चीज़ें अक्सर बयान नहीं होती। वरना वो भी अल्लाह के अहकाम ना मानने पर सजावार होता है। तो अब एक शख्स जो है वो वैसे ही अल्लाह का बागी है, चाहे वो काफिर है, काफिर होने के बिना पर बागी है, तो वो तो मजबूर आम हालत में खाएगा, तो वो तो जुर्म है ही, कुफर के अलावा उसका ये जुर्म भी है कि वो सूअर खाई जा रहा है और वो मुर्दार खाई जा रहा है आम हालत में। अगर वो मजबूरन भी खाएगा तो मजबूरन खा कर भी वो भी उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुसलमान हो। एक बंदा नाम का मुसलमान हो लेकिन वो बागी है अल्लाह का, अल्लाह के अहकाम की परवाह नहीं करता, कहता है मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह के अहकाम की परवाह नहीं करता। तो ऐसा शख्स अगर वो अल्लाह के अहकाम की परवाह नहीं करता, तो अगर वो मजबूरी के बगैर खाएगा वो तो गुनाह है ही, अगर वो मजबूरी के साथ भी खाए तो उसके बावजूद वो उसको सजा मिलेगी, अल्लाह उसका ये जुर्म माफ़ नहीं करेंगे। ये जुर्म सिर्फ उस शख्स को माफ़ है जो आम हालत में अल्लाह का बागी नहीं है, आम हालत में अल्लाह की अहकाम की पाबंदी करता, मजबूरी में अब वो क्या करे जान बचाने के लिए, अब वो जान बचाने के लिए खा ले, बागी ना हो अल्लाह का, और इतना खाए वो अगली शर्त वाला आदिन हाथ से बढ़ने वाला ना हो, इतना खाए जितनी जरूरत है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह माफ कर देंगे, क्योंकि उसने मजबूरी के हालत में भी इसलिए खाया कि अल्लाह ने इजाजत दी है। तो उसका ये खाना भी, बल्कि खाना उसको खाना पड़ेगा जान बचाने के लिए, अगर वो नहीं खाएगा तो फिर गुनाहगार होगा, क्योंकि अगर वो मर रहा है, वो कहता है मैं मरते मरते भी नहीं खाता, नहीं क्यों नहीं खाते, अल्लाह ने इजाजत दी है, अपनी जान को बचाओ, तुम्हारे लिए जान को बचाना जरूरी है, अल्लाह ने इजाजत दे दी है, अब खाओ, और तुम खाओगे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन अगर एक बंदा वो बागी है अल्लाह का, तो वो गुनाहगार होगा, मजबूरी की हालत में भी खाने पर गुनाहगार होगा। अल्लाह ताला ने नमाज रखी है घर में, हजर में पूरी नमाज, तो सफ़र में अल्लाह ने नमाज की रुख्सत दी है, अल्लाह ने कसर नमाज रखी है। कसर नमाज उन लोगों के लिए है जो सफ़र करते हैं, मुसलमान हैं और अल्लाह की रजा का सफ़र करते हैं। अगर एक बंदा सफ़र करता है अल्लाह की नाफरमानी का, तो अल्लाह की नाफरमानी के सफ़र में कसर जायज़ नहीं है।
ये जो रुख्सतें होती हैं ये उन लोगों के लिए होती हैं जो आम हालात में अल्लाह के अहकामात के पाबंद होते हैं, उलमा ने सराह से लिखा है। इसी तरह दीगर रुख्सतें हैं कि रुख्सतें उन लोगों के लिए हैं जो अजीमतों पर अमल करने वाले हैं, जो बागी नहीं है अल्लाह के। तो उन जो अल्लाह के अहकामात के बागी हैं वो उनके लिए रुख्सतें नहीं हैं, वो रुख्सत पर अगर वो कोई ऐसा काम करें तो वो उनको आम हालात में जो जो अमल है वो ना करने का गुनाह उनको मिलेगा उनके कुफर के अलावा और उनकी बगावत के अलावा। तो जो बंदा मजबूर कर दिया जाए बागी ना हो अल्लाह के अहकामात का आम हालात में, वाला आदिन और हद से बढ़ने वाला ना हो, तो बस बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले बहुत रहम करने वाले। وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور نہ تم کہو اس کے لیے جو وصف بیان کریں تمہاری زبانیں جھوٹا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو۔ یہی بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ان آیات میں کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ بس یہی چیزیں حرام ہیں، اصل میں تو ابھی باقی چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی تھیں، وہ تو بعد میں حرام کی۔ نمبر تو ان آیات کا اصل موضوع حلال و حرام ہے ہی نہیں، ان آیات کا اصل موضوع ये बताना है हलाल हराम करना ये किसका काम है, तो ये अल्लाह का काम है। इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून، बेशक वो लोग जो झूठ बांधते हैं अल्लाह पर झूठ، ला युफ्लिहून वो कामयाब नहीं होते। तो हलाल हराम करना ये इंसानों को ये हक दे देना खुद ही अपनी मर्जी से कुछ चीज़ों को हलाल कर लेना कुछ चीज़ों को हराम कर लेना ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये शिर्क के बराबर जुर्म है, ये अल्लाह पर इफ्तिरा है और अल्लाह पर इफ्तिरा करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। और अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह पर इफ्तिरा ये सबसे बड़ा जुल्म है और शिर्क भी सबसे बड़ा जुल्म है, तो ये शिर्क के बराबर जुर्म है।